नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने चैनल गौतम ऑनलाइन स्टडी में। आज का जो हमारा टॉपिक है भारत रत्न से संबंधित, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी कि 2019 में किसको यह आपके अवार्ड किस किस को दिया गया है जो भारत रत्न है, ठीक है, और कब से स्टार्ट किया गया है, फुल इन्फॉर्मेशन। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो भारत रत्न से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आने वाला है एग्ज़ाम में जिससे कि आपके जो इस वीडियो में इंक्लूड ना किया गया हो, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे वीडियो को, लाइक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि भारत रत्न की शुरुआत कैसे हुई। तो भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ध्यान में रखिएगा, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है आपका भारत रत्न। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है और इन सेवाओं में आपकी कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल, ये सभी जो आपके क्षेत्र शामिल हैं इन क्षेत्रों में आपके यह सम्मान दिया जाता है, ठीक है। इस सम्मान की स्थापना कब की गई, तो आपके 2 जनवरी 1954 में भारत के जो तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा इस सम्मान की शुरुआत की गई थी, जो आपके भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है। अन्य अलंकरणों के समान इस सम्मान को भी आपके जो नाम के साथ पदवी के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और प्रारंभ में इस सम्मान को आपके मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था, ठीक है। जब स्टार्टिंग में आपका ये स्टार्ट किया गया था तो शुरुआत में मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं किया गया था। यह जो प्रावधान किया गया आपके 1955 के बाद से जोड़ा गया है, ठीक है। तत्पश्चात अगर हम देखें तो 13 व्यक्तियों को यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया है, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस को घोषित सम्मान वापस लिए जाने के उपरांत जो आपके मरणोपरांत सम्मान पाने वालों की संख्या 12 मानी जा सकती है। क्यों? क्योंकि जो सुभाष चंद्र बोस थे, जो कि घोषित सम्मान वापस ले जाने के उपरांत जो आपके मरणोपरांत जो सम्मान पाने वालों की संख्या 12 मानी जा सकती है। तो एक वर्ष में अगर देखें, ऐसा क्वेश्चन बनता है कि एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को यह भारत रत्न दिया जा सकता है, तो अधिकतम 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है आपके एक वर्ष में, ठीक है। तो ये हो गई आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन जो कि आपके भारत रत्न से संबंधित, कब से स्टार्ट किया गया है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा शुरुआत की गई इसकी, तो ये जानकारी हो गई इसकी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये आपका भारत रत्न जो कि आपके पान के अगर आकार का, अगर आपने पान देखा होगा, पान के आकार का जो आपका इसका आकार होता है जो भारत रत्न का, ठीक है। तो इस तरह से आपका होता है जो भारत रत्न का अवार्ड जो कि आपके जिसके द्वारा सम्मानित किया जाता है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमने क्या देखा आपके स्टार्टिंग में कि कब से शुरुआत की गई है आपके भारत रत्न की, ठीक है, और किस तरह का आपका जो यह अवार्ड होता है, जो सम्मान होता है, क्या इसका आपका होता है, सब कुछ आपको हमने बता दिया है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे जो आपके भारत रत्न 2019 के बारे में। तो राष्ट्रपति भवन जो आपका न्यू दिल्ली ने आपके 25 जनवरी 2019 को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रसिद्ध संगीतकार भूपेन हजारिका और समाजसेवी नानाजी देशमुख को भारत रत्न के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है, ठीक है। कब की गई है? 25 जनवरी 2019 को, ठीक है। और यह है आपके 4 वर्ष बाद घोषणा की गई है आपके जो भारत रत्न आपका सम्मान है और जो 3 लोगों को दिया गया है, ठीक है। देखिए, वर्ष 2015 में आपके पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय जो कि आपके जिन्हें मरणोपरांत, ठीक है, तो पंडित मदन मोहन मालवीय मरणोपरांत को आपके भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। और 4 वर्ष बाद अब दोबारा आपका 2019 में यह अवार्ड दिया गया है और किस किस को दिया गया है, ठीक है, हमने आपको बताया है। ये आपके जो भूपेन हजारिका, प्रसिद्ध संगीतकार, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और समाजसेवी नानाजी देशमुख को, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है कि 20 वर्ष बाद यह पहला अवसर है जब 2 से अधिक लोगों को भारत रत्न के लिए चुना गया है। तो 2 से अधिक, ठीक है, अधिकतम कितना हमने आपको बताया, 3 लोगों को, तो 2 से अधिक जो आपके लोगों को भारत रत्न के लिए चुना गया है 20 वर्ष बाद चुना गया है, ठीक है। क्योंकि इससे पहले जो आपका वर्ष 1999 में जयप्रकाश नारायण, पंडित रविशंकर, डॉक्टर अमर सेन एंड गोपीनाथ बरदोलाई को दिया गया था यह जो सम्मान था, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है आपका कि प्रणब मुखर्जी भारत के 3रे पूर्व राष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है।
तो प्रणब मुखर्जी भारत के तीसरे पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जिसमें से फर्स्ट थे आपके वी वी गिरी जो कि 1975 में, सेकंड थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि 1962 में इन्हें सम्मानित किया गया था, और तीसरे राष्ट्रपति हैं आपके प्रणब मुखर्जी। ठीक है, इसके अलावा भी अगर हम देखें तो आपके जो राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं उन्हें भी इस सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसमें से आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 1997 में, जाकिर हुसैन 1962 में, सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954 में, पर इनको इनको भी मिला है आपका यह सम्मान, जो भारत रत्न सम्मान है इनको भी मिला है, पर राष्ट्रपति बनने से पहले मिला था। ठीक है, राष्ट्रपति बनने से पहले इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है आपका नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख जो कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बाद भारत रत्न से सम्मानित होने वाले RSS से जुड़े दूसरे नेता हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा फैक्ट कि नानाजी देशमुख पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बाद भारत रत्न से सम्मानित होने वाले RSS से जुड़े दूसरे नेता हैं। ठीक है, फिर देखें नेक्स्ट, अब तक भारत रत्न से सम्मानित लोगों की संख्या कितनी हो चुकी है, तो अब तक भारत रत्न से सम्मानित जो लोगों की संख्या आपके 48 हो गई है। ठीक है, यानी कि 48 लोगों को इस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है अब तक भारत में। ठीक है, अब हम देखते हैं जो आपके 2019 में जिन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है उनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल से जानेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन बनता है तो आप उन्हें आसानी से कर सकें। ठीक है, फर्स्ट है आपके नानाजी देशमुख, इनके अगर हम पूरे नाम की बात करें तो चंडिका दास अमृत राव देशमुख है इनका पूरा नाम। इनका जन्म कहाँ हुआ, तो 11 अक्टूबर 1916 में आपके महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में कंडोली नामक गांव में इनका जन्म हुआ, जो नानाजी देशमुख जो कि एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, इनके पिता का नाम अगर हम देखें तो अमृत राव देशमुख है, माता का नाम आपका राजाबाई देशमुख है। ठीक है, वर्ष 1950 में गोरखपुर में भारत के पहले सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना इनके द्वारा ही की गई थी। ठीक है, वर्ष 1950 में गोरखपुर में भारत के पहले सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना नानाजी देशमुख के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, और वर्ष 1999 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है, वर्ष 1999 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, फिर देखते हैं जो दूसरे हैं आपके भूपेन हजारिका। तो भूपेन हजारिका जो कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित, भूपेन हजारिका जो कि असम के बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व थे। ठीक है, असम के बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व थे जिन्हें आपके मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, फिर इनके अगर हम सम्मान की बात करें तो इन्हें पद्मश्री भी मिला है 1977 में, पद्म भूषण 2001 में, एंड पद्म भूषण आपके 2012 में जो कि मरणोपरांत मिला है। संगीत नाटक अकादमी 1987 में, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है 1992 में, और असम रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है आपके 2009 में। ठीक है, तो भूपेन हजारिका के ये कुछ सम्मान हैं जो पुरस्कार हैं इन्हें जो प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, फिर देखें नेक्स्ट, तो इनके द्वारा निर्देशित फिल्म जो आपके शकुंतला जो कि 1961 में सर्वश्रेष्ठ असमी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। कौन सी फिल्म इनकी, शकुंतला। ठीक है, 1961 में तो सर्वश्रेष्ठ असमी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी इन्हें मिला है। ठीक है, साथ ही आपका ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और है, जो असम में लोहित नदी है आपके, असम में लोहित नदी जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, जो आपकी लोहित नदी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और आपके असम में। ठीक है, तो असम में लोहित नदी पर बनाए गए देश के सबसे लंबे ढोला सदिया पुल का नामकरण हाल ही में भूपेन हजारिका के नाम पर ही किया गया है। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर आपके जो ढोला सदिया पुल है इसका नामकरण भी कर दिया गया है आपके, जो कि असम में लोहित नदी पर बनाया गया है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट आपके जो तीसरे जिन्हें यह सम्मान से सम्मानित किया गया आपके 2019 में, प्रणब मुखर्जी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और इनका जन्म की अगर हम बात करें तो 11 दिसंबर 1935 जो कि बीरभूम जिले के मिराती गांव में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, और 2012 से आपके 17 तक ये भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, 2012 से आपके 17 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, अब वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति, तो रामनाथ कोविंद है। तो ये 13वें थे, तो इसके बाद आपके जो रामनाथ कोविंद आपके 14th नंबर के राष्ट्रपति हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के अगर हम देखें तो राष्ट्रपति के अलावा जो प्रणब मुखर्जी किस किस पद पर थे, तो आपके वित्त मंत्री जो कि 2009 से 2012 व 1982 से 1984 तक थे, विदेश मंत्री के भी रूप में कार्यरत थे आपके, कार्यरत थे 2006 से 2009 और आपका 1995 से 1996 तक। ठीक है, फिर रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं 2004 से 6 तक।
ठीक है। तो इनके जो आपके राष्ट्रपति के अलावा भी इनके जो इन्होंने इस पद पर कार्य किया है। फिर है आपका 1991 में तत्कालीन योजना आयोग का प्रमुख भी बनाया गया था। 1991 में तत्कालीन योजना आयोग का प्रमुख भी बनाया गया था आपके प्रणब मुखर्जी को। इनकी कुछ पुस्तक भी हैं, बुक्स भी हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है, आपको जानकारी होना इस बारे में। तो कौन सी बुक है इनकी? एक पुस्तक है आपके द डेमेट्रिक डिकेड, एंड सेकेंड है आपका द टर्बुलेंट ईयर्स और द कॉलिजन ईयर्स, ठीक है। तो ये इनकी पुस्तक है, इनका भी नाम आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है, जो कि प्रणब मुखर्जी की पुस्तक से, ठीक है, द डेमेट्रिक डिकेड एंड द टर्बुलेंट ईयर्स और द कॉलिजन ईयर्स। फिर आपका एक लास्ट जो फैक्ट है आपका, कि जून 2018 में नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम को संबोधित कर आरएसएस के किसी कार्यक्रम में शामिल होने वाले पहले पूर्व राष्ट्रपति बने थे। तो आरएसएस के किसी कार्यक्रम में शामिल होने वाले पहले पूर्व राष्ट्रपति बने थे। तो ये भी इनके जो उपलब्धियां हैं कुछ, ठीक है। तो जितना भी आज कि इस वीडियो में हमने भारत रत्न से संबंधित आपको बताया है सब कुछ, इससे अलावा अगर आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस वीडियो को एक से दो बार देख लेते हैं तो, ठीक है। तो अगर आपको जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड शेयर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।